दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक युवती ने अपने दोस्त के साथ कुछ ऐसा कर डाला कि मामला सुर्खियों में आ गया। युवती ने न्यू कॉलोनी में रहने वाले अपने दोस्त को रात के वक्त फोन कर अपने फ्लैट में बुलाया, जहां पर पहले से ही दो लोग मौजूद थे, और युवक के पहुंचते ही उसे बंधक बना लिया। युवक को बंधक बनाने के बाद उसके पिता से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और पैसे न देने पर धमकियां भी दी गई। हालांकि युवक के पिता ने जब खेड़ा थाना पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिस ने युवक का लोकेशन ट्रैक कर युवती के फ्लैट पर रेड कर दी और युवक को सुरक्षित छुड़वा लिया। दिनांक 9/5/2022 की बात है। दोपहर 2 से 3 बजे के करीब खेड़ी पुल थाने के क्षेत्र में एक फ्लैट है और फ्लैट में एक लड़की ने कोई कमल सलूजा नाम का लड़का है उसके पास कॉल की। उनकी पहले दोस्ती थी आज से 20-25 दिन पहले, जैसा कि उसने बताया है। तो दोस्ती के कारण उससे उसके जब बात की तो बाद उसने फ़ोन करके बुलाया था लड़की ने, और जब वो लड़की ने वहाँ बुलाया फ्लैट में तो फ्लैट में पहले ही 2-3 लड़के मौजूद थे और इन्वॉल्वमेंट अभी कहा नहीं जा सकता कि उसकी मम्मी की भी है, लेकिन नाम सामने आ रहे कोई शीला नाम की है, तो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी, अभी यहाँ भी उसके पिता नरेश सलूजा ने कंप्लेंट की, उसके ऊपर हमने FIR लॉज की है 200 पेज में, और उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, ऐसी भी बात आई है सामने कि लड़के को बंधक बनाने के बाद कुछ पैसे की डिमांड की गई थी। सिमरनजीत और अतुल दो गिरफ्तार हुए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच 85 कर रही है, जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बताया जाएगा कि वो कोई फिरौती का मामला था या फिर कुछ और था। सर, लड़के को कैसे छुड़ाया गया वहाँ से, इस तरीके की कार्रवाई हुई, किस तरीके की? लड़के को देखिए, उसमें पुलिस ने काफ़ी मशक्कत की है और जब भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो नहरपार से खेड़ीपुल थाना के SHO और CIA 65 की टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद उनको राउंड अप किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। बता दें कि पुलिस ने युवती के फ्लैट में मौजूद दोनों युवकों को तो हिरासत में ले लिया है, लेकिन युवती अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है। पुलिस की टीम जहां आरोपियों से गहन पूछताछ में जुटी है, तो वहीं शिकायत के आधार पर मामला भी दर्ज कर लिया है और सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।